अरे दोस्त हम साल वाले अरे दोस्त इधर नहीं बाबू जी हम कैसे नहीं बैठे भाई के साथ है अरे मोहन हमारा साथ है यार सच में सच में हम इसके साथ है भाई भाई अरे क्या हो गया इसको यार हम क्यों पकड़ रहे भैया जाना क्या हो गया यार हम यहाँ का इनको कश्मीर चाहिए पर कश्मीर के लोग नहीं, ऐसा कहना है कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ फ्रूट वेंडर्स का जो कश्मीर से लखनऊ पहुंचे थे कारोबार के सिलसिले में। लाखों रुपए का ड्राई फ्रूट्स उनके पास है और दो तीन महीने के लिए वो वहां पर जाते हैं काम के सिलसिले में, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है, उनका इल्जामात है कि उनको हरास किया गया और उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया और फोर्सफुली वहां से जो है हटाया गया और काम नहीं करने दिया गया। बाकी जो वेंडर्स थे उनको काम करने दिया जा रहा था पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है जब ये मैटर आगे ले गए वो कि हरासमेंट हो रहा है कश्मीरियों के साथ, तो जो वहां के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक ये बात पहुंचाई गई, वहां के एडवाइजर से बात हुई, तो उसके बाद इन फ्रूट वेंडर्स को जिनका ताल्लुक कश्मीर से है उन्हें रिलीज कर दिया गया है और जो ड्राई फ्रूट सीज किया गया था उसे वापस कर दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि जब भी ये यहां पर इस तरह से काम करे तो पहले इनको परमिशन जो है वो लेने की जरूरत है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि क्या कुछ कहना है उनका, उन्हीं की जुबान सुन। मेरा नाम आमिर है। आमिर, अभी आप लोग नगर निगम के ऑफिस में हैं, जिसमें क्या वजह है किस लिए? सर यहाँ कुछ, सर आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी यहाँ मतलब रोज हम हर साल आते हैं, और क्या है कि सर ये नगर निगम जो है यहाँ हर साल हटा रहे हैं, हमें लगाने नहीं देते, इस वजह की हम बोल रहे हैं कि यहाँ लगाना मना है, यहाँ लगाना गलत है, यहाँ आप नहीं लगा सकते। हमने बोला हर साल की वजह से आप यहाँ तो पूरा बंद कर दो, यहाँ तो किसी को लगाने नहीं, तो बाकी जो रेडी वाले आते हैं वो सब लगाते हैं। क्या है कि सर हम भी आते हैं हर साल, ये दो तीन महीने हम आते हैं सारा माल लेके आते हैं, सर हम भी सोचते हैं हम भी 10 पैसे कमाने आए हैं, हमारा भी परिवार है सर, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, आपको पता है सर कितने सालों से बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बस सर हम कुछ नहीं चाहते, हम उनको बोलते हैं हमें लगाने दो, दो तीन महीने हैं फिर तो हम वापस ही जाते हैं, हम पूरे साल भर नहीं लगाते यहाँ, ये सर दो तीन महीने, यही दो तीन महीने हम कटाते हैं फिर और वापस हम चले जाते हैं। बाकी क्या है सर कि ये लोग रोज़ आते हैं, रोज़ हम लोगों को गाले देते हैं, माल उठाते हैं बे, ये सबके माल उठाते और गाड़ी में लेके जाते, फिर पता नहीं चलता कहाँ रखते सर, कुछ वापस देते हैं कुछ मिलता नहीं सर, ये भी हमारा व्यापारी का माल होता है सर, हम कहाँ लाएंगे ये पैसे व्यापारी को देंगे, इतना तो हमारा सर कमाई नहीं हो रही, आपको पता है इसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर। बाकी तो हम सर इनसे यही उल्टिया करते हैं सर कि हमें लगाने दीजिए दो तीन महीने फिर तो हम जाएंगे वापस, बस हम दो तीन महीने के लिए यहाँ आते हैं, आपको पता है बहुत बेरोजगारी है सर, और क्या और कितने साल से यहाँ आ रहे हो आप लोग? सर हम तकरीबन 7-8 साल से आ रहे हैं यार। 7-8 साल में कितनी बार इस तरीके का सर ये समझो आप, आपको तो पता है आप पिछले साल भी आ गए, हर साल ऐसा होता रहता है हर किसी का सर, हर साल ऐसा होता रहा है कि किसी का ड्राई फ्रूट किसी का बैग किसी को मारते हैं पीटते हैं सर, ये तो सब, लेकिन सर हमारा कोई सुनता नहीं है सर, क्या कह रहती है कि आप ही लोगों के साथ ऐसा होता है सर समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तो ये लोग हमको सर अलग समझते हैं अपना नहीं समझते, कश्मीर ये तो बोलते हैं कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर इनको कश्मीर कश्मीर चाहिए पर कश्मीर के लोग नहीं चाहिए सर इनको, इनको कश्मीर से सर जो है इनको कश्मीर से सब कुछ है लेकिन कश्मीर के लोगों से कुछ नहीं, इनको चाहिए तो कश्मीर खाली चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग आपको पता है यहाँ के कितने लोग हैं, हजारों में लोग हैं यहाँ जो वहाँ कश्मीर में काम कर रहे हैं सर, वहाँ भी वो फुटपाथ पे लगा रहे हैं बड़े बड़े सर वो दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि मतलब कश्मीर में इस तरह के वाकात पेश आते हैं उनके साथ, लेकिन देखो सर अगर उनका कोई कश्मीर में हमारे लोकल उनके साथ ऐसा कहेगा मिसबिहेव करेगा इस तरह के, सर क्या है कि हम खुद लोकल लोग उनके पास जाते हैं हम रोकते नहीं, ये लोग दूर से आए ये भी ये परदेश लोग हैं इनके साथ ऐसा मत करो, ये बेचारे उनके भी बाल बच्चे होते हैं ये भी 10 पैसे कमाने आए, हम यही चाहते हैं कि देखो हमारे पास भी अगर इस तरह का घर में इतना रिसोर्सेज होते तो सर हम यहाँ इस तरह फुटपाथ पे नहीं लगाते ड्राई फ्रूट, बाकी सर हम इनसे यही इल्तिजा करते हैं देखिए सर हमें लगाने दीजिए, हमारा इतना माल है इतना माल सब हम लेके आए हैं कश्मीर से, हम कहाँ रखें, व्यापारी को पैसे देने हैं सर व्यापारी के, लेकिन क्या है कि सर यहाँ हमारे ये न्यूज़ सब उठाते हैं सब वीडियो बनाते हैं लेकिन ये कुछ आगे इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर, हमारा सर हमारा कोई सुनता नहीं आगे, बस 4 दिन 2 दिन 3 दिन हाईलाइट में होता रहता है पर फिर को बाकी सब सर ख़त्म हो जाते हैं।
बस सर हम ये सबसे इल्तिजा करते हैं सर, हमें लगाने दीजिए, इतना माल लाया है 4 लाख 5 लाख का माल लेके आए हम यहाँ से सर, रोज़ देखो आप सर हर कोई माल यहाँ मुश्किल से सर हमारा ये दिन का दिन निकलता है, 400-500 का दहेड़ी खर्चा आता है, 400-500-600 सर आपको पता है, हमने रूम भी लिया है रेंट भी दिया है, लेकिन अभी माल नहीं भेज पाएंगे तो इसको क्या करेंगे, आप ही बताओ सर हम कहाँ भेजेंगे, GST अलग से बिल अलग से देना पड़ता है सर, आप ही बताएं। और बस हमारा यही इनसे इल्तिजा है कि बस हमें लगाने दे दीजिए सर, बस यही गुजारिश है, बाकी थैंक यू सर।